उधर हूती विद्रोहियों को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक चेतावनी दी है, बड़ा बयान दिया है। शिपिंग मार्ग, शिपिंग वे की सुरक्षा में 21 भारतीय जहाजों को तैनात कर दिया गया है। मिसाइल और ड्रोन जैसे चीजें तैनात हुई हैं। समुद्री डाकुओं का सामना करने को हम तैयार हैं। भारतीय जहाज अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट की रक्षा कर रहे हैं। लाल सागर में हूती विद्रोहियों का आतंक है। दुनिया में भारत का भी बढ़ा है कद। भारत के निर्णय पर दुनिया की नजर। ये एक ऐसा अहम फैसला है, अहम बात है, जो पिछले कुछ दिनों से कुछ तस्वीरों के जरिए सामने भी आई, जहां भारत की नौसेना ने ऐसे समुद्री डाकुओं से बचाने की कोशिश की है। मैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी आपका ही रुख करूंगा। एक इंटरनेशनल पावर होने के लिए जरूरी है कि आप अपनी सरहदों को तो सुरक्षित करें, लेकिन अगर अपनी सरहदों से आगे जाकर भी कोई बड़े फैसले लेने की जरूरत पड़े तो उसे लेने में हिचके ना। भारत का यह फैसला कि शिपिंग रूट को भारत के 21 जहाज प्रोटेक्ट करेंगे और वहां पर मुकाबले के लिए भी तैयार रहेंगे, आप किस तरीके से देखते हैं, खास तौर पर ईरान और हूती गठजोड़ को भी देखते हुए? राजीव जी, जो आप कह रहे हैं ये 100% सही है। भारत ब्लू वाटर नेवी बन गया है, अब हम कोस्टल नेवी नहीं है, और हमारा जो तिजारती इंटरेस्ट है वो राइट अक्रॉस पर्शियन गल्फ इनटू यूरोपियन मेडिटेरेनियन एंड यूरोपियन टेरिटरी टू साउथ चाइना सी थ्रू मलक्का स्ट्रेट, ये भारत का इंटरेस्ट है इसमें। और इस रूट के अंदर 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, 68% to 70% ऑफ ऑयल फ्यूल सब कुछ पास होता है, और भारत का सबसे ज्यादा तिजारत इसमें चलता है। भारत को अपनी तिजारती और एक्टिविटीज की रक्षा करनी होगी। यही नहीं, रीजनल कंट्रीज भारत पर डिपेंड करने लगी हैं कि, और इस समय भारत की नेवी बहुत बड़ी मात्रा में है फ्रॉम यहां से लेके पर्शियन गल्फ एंड बियॉन्ड, और भारत के अपने प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं अक्रॉस मेडिटेरेनियन जो इनटू यूरोप जो बन रहे हैं, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बन रहा है, भारत की नेवी का कर्तव्य और भारत की गवर्नमेंट का। इसको सब अच्छी तरह जानते हैं, ईरान जानता है जो हूतीस का सपोर्ट कर रहा है और जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। और कंट्रीज के शिप पे भी अटैक हो रहा है, भारत के शिप के भी अटैक होंगे, पर इस समय भारत की नीति है वेरियस कोस्ट गार्ड ने आपस में संगठन बनाया है कि जॉइंट ऑपरेशन किस तरह किए जाएं। मैंने दो ये सेशन अटेंड किए हैं कि वेयर द लोकल नेवी एंड कोस्ट गार्ड हैव डिसाइडेड अपनी पॉलिसी बना के कि किस तरीके से इनको डाउन किया जाए। पर जब बात आती है चाइना के इन्वॉल्वमेंट की, जो अभी आप बात कर रहे थे, वो इस चीज को हेल्प करेगी, क्योंकि ईरान के थ्रू ये जो जितने टेररिस्ट हैं अब ये पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी अब आने शुरू हो जाएंगे और एक साइड को सपोर्ट करने लगेंगे। यानी मजबूत होना जरूरी नहीं है, मजबूत दिखना भी जरूरी है, अपनी सरहदों के बाहर निकलना जरूरी है, एक मैसेज देना जरूरी है कि हम वो नहीं हैं जो पहले कभी हुआ करते थे, ये बदलता भारत है और बदलता भारत दुनिया की जिम्मेदारियों की चुनौती लेने में भी पीछे नहीं हटता। संजीव जी और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, बहुत शुक्रिया अपने एनालिसिस के साथ आप लोग मेरे साथ जुड़े और आपने तमाम जानकारियां दर्शकों के लिए रखी।